शुगर एक ऐसा स्पेस रहा है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, लेकिन अब जो न्यूज फ्लो आया है कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन टारगेट्स 2015-16 के थोड़े से ट्रिम कर सकती है, इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं शुगर शेयर्स पर? और टी शेयर्स भी हाल ही में काफी लाइमलाइट में रहे हैं, कल भी हमने इस पूरी पॉकेट में खरीदारी देखी थी। डोमेस्टिक मार्केट में टी प्राइसेस जल्द बढ़ सकते हैं, ज्यादातर मैनेजमेंट्स ने इस तरह के इंडिकेशंस दिए हैं, तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दोनों स्पेस में आपको दिख रही है अभी? शुगर स्टेक शुगर सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट शुगर प्राइजेस जो 22 रुपये थे आज की डेट में 33-34 रुपये चल रहे हैं और इंटरनेशनल प्राइजेस भी काफ़ी फर्म अप हुए हैं। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर अभी ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी प्रोडक्शन इंडिया में कम रहेगा और इंटरनेशनल प्राइजेस अगर होल्ड करती है, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, अगर इंटरनेशनल प्राइजेस होल्ड करती है तो ये स्टॉक्स यहाँ से भी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पॉइंट पे जैसे बलरामपुर चीनी हमारा इसमें मेन फेवरेट है, बट ये प्राइस पे नहीं खरीद के थोड़ा अगर कोई करेक्शन आता है मे बी अराउंड 85-90 के बीच में तो तब खरीदना चाहिए। दूसरा टी सेक्टर्स में हमारा व्यू इस तरीके से है कि अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली नई प्राइजेस आती है और नई प्राइजेस ऊपर खुलती है 10 से 15 रुपये, तो अगर 15 रुपए के आसपास खुलती है तो मुझे लगता है कि वो एक नॉर्मल सिनेरियो रहता है। बट गोइंग अगर सपोज करो वही प्राइजेस अगर 20 से 25 रुपए के आसपास अगर ऊपर खुलती है तो इन शेयरों में तेजी आएगी। नॉर्मली अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर का प्रोडक्शंस वीक रहा था, बट गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शंस जो एक्सपेक्टेशन अभी तक है वो है कंपेरेटिवली अच्छा रहेगा। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो केन्या में भी प्राइजेस लास्ट ईयर अच्छी थी बट ये साल काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा टी में कोई लंबी तेजी यहाँ से नहीं लगती फ्रॉम अ नियर टर्म परस्पेक्टिव, बट नो डाउट प्राइजेस काफ़ी नीचे है। अगर मैक्लॉयड रसल देखेंगे तो ऊपर में 340 वगैरह भी गया हुआ और आज की डेट में 50% पे रन कर रहा है, तो थोड़ा भी अपटिक आएगा तो उनमें ये शेयरों में यहाँ से रन अप आ सकता है, बट कोई बहुत लंबा हमें इन कंपनियों में लंबी तेजी नहीं लगती।